नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता सात्विक रेसिपी में आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी। इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप किसी भी स्वीट्स में, डेजर्ट में या पुडिंग में कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे इस कंडेंस्ड मिल्क से नारियल रोज बर्फी बनाई जा सकती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बनाना शुरू करते हैं कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और 100 ग्राम चीनी ली है, एक पिंच खाने का सोडा लिया है जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे दूध आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम होना चाहिए और चीनी 100 ग्राम रहेगी। तो पैन में दूध डालकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसको लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई भी ना जमे। और उसके बाद जब इसमें एक बॉयल आ गया है तो इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। और इसको लगातार चलाते हुए चीनी के घुलने तक हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए, चीनी बिल्कुल घुल चुकी है। अगर आप लगातार चला रहे हैं तो ये काम आप हाई फ्लेम में भी कर सकते हैं और साइडों से भी हमें इसे चलाते हुए कुक कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और जो सोडा लिया था उसको डाल दिया है, एक पिंच सोडा डाल दिया है। तो सोडा डालते ही दूध में उफान आ जाता है, इसलिए फ्लेम को लो करके सोडा डालें। और उसके बाद फिर से फ्लेम को हाई करके हम इसको लगातार चलाते हुए 1/3 होने तक कुक कर लेंगे। अब ये देखिए, 1/3 कुक हो चुकी है, मतलब आधे से भी आधी रह गई है। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब इसे हम ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये और थिक होती चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। और चेक करने के लिए दोनों उंगलियों के बीच में आप डालकर देख सकते हैं। अगर एक तार की चाशनी बन रही है तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है आपका कंडेंस्ड मिल्क। और यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो जैसे जैसे ये ठंडी हो रही है और ज़्यादा थिक होती चली जा रही है। अब ये देखिए, जैसे जैसे ये ठंडी हो रही है और ज़्यादा थिक हो गई है, बिल्कुल घर के कुछ सामान से परफेक्ट मार्केट वाली कंडेंस्ड मिल्क आप घर पे बना सकते हैं। आप इसे ग्लास जार में स्टोर कर सकते हैं एक महीने के लिए। और जब भी आप कोई खीर, डेजर्ट, पुडिंग, हलवा, गाजर का हलवा या स्वीट डिश बनाना चाहते हैं, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लाजवाब बनती है। ये देखिए, मैंने एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी रख दिया था और इसका टेक्स्चर देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। जितनी ज़्यादा ये फ्रिज में रहेगी उतनी ज़्यादा थिक होती चली जाएगी। तो चलिए इसके साथ एक कोकोनट रोज बर्फी बनाते हैं। बर्फी बनाने के लिए पैन में मैंने एक कटोरी नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसमें मैं एक कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिल्कुल नारियल के बुरादे से भी इसको बना सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क डालकर, बहुत लाजवाब बनती है। अब ये देखिए, घर में जो हमने कंडेंस्ड मिल्क बनाया है उसको डाल रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। और इसमें मैं 1 चम्मच रोज़ सिरप डाल रही हूँ। इन सब को एक साथ मिक्स करते हुए हमें चलाना है। अगर आप रोज़ फ्लेवर नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोई फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिना फूड कलर के भी आप ऐसे भी इस बर्फी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच रोज़ सिरप मैं और ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका कलर मुझे लाइट लग रहा था। और इन सब को लगातार चलाते हुए हम एक साथ कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालने से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है बर्फी में। अब इनको तब तक हम कुक करेंगे जब तक ये एक साथ पैन में ना आ जाएं। अब ये देखिए, बिल्कुल एक साथ पैन में आ चुके हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में डब्बा लिया है, उसमें इसको सेट करूँगी। आप चाहें तो घर के प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं।
इसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसमें मैं बारीक कटे हुए पिस्ते डाल रही हूँ। बहुत अच्छी बर्फी तैयार होती है। आप जो भी फ्लेवर डालना चाहते हैं उस फ्लेवर का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं कटोरी से इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि पिस्ते इसमें सेट हो जाए, और आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं, अब इसको मैं निकाल रही हूँ और इसके पीसेस कट करूँगी। तो सबसे पहले जो हमने फॉइल शीट लगाई थी नीचे डब्बे में, उसको निकाल देंगे। फॉइल शीट लगाने की वजह से आसानी से ये निकल आया है। और अब पीसेस मैं कट कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल आराम से ये कट हो रहे हैं। पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे बड़े जो भी आप पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना कर रख सकते हैं। अगर आप बर्फी नहीं बनाना चाहते हैं तो नारियल के लड्डू तैयार हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी इसका कलर और ज़्यादा डार्क होगा। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है घर में बने हुए कंडेंस्ड मिल्क से कोकोनट रोज बर्फी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो से आप जुड़े रहें। जल्दी मिलती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।